अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पंजाब एजुकेटर्स। पंजाब एजुकेटर्स के लेक्चर सीरीज़ के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम चैप्टर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक्टिविटीज़ के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट पार्ट 1 के अंदर हमने चैप्टर 1 की तमाम एक्टिविटीज़ को देखा था, जिसके अंदर हमने एक्टिविटी 1.1 से लेके वे आप एक्टिविटीज़ 1.8 तक तमाम एक्टिविटीज़ को देखा था। आज हम वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्टिविटी 1.9 को आज हम डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी 1.9 जो है वो ये है कि आपने अपनी बुक खोलनी है, उसके अंदर सेक्शन 1.3.4 के ऊपर चले जाना है। वहाँ पे आपको एक एल्गोरिदम मिलेगा, एल्गोरिदम की एक सीरीज़ है, उसके अंदर वहाँ पे आपने एल्गोरिदम नंबर 9 को देखना है, उसको आपने चेक करना है और उसको उस एल्गोरिदम को आपने एक्टिविटी 1.9 के अंदर दिए गए एल्गोरिदम के साथ कंपेयर करना है और बताना है कि दोनों में से कौन सा एल्गोरिदम जो है वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। तो इसके लिए आए चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एल्गोरिदम बेसिकली क्या है कि हमने दो नंबर्स एंटर करने हैं, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, नंबर 2 जो है वो एंडिंग पॉइंट होगा। N1 से लेके N2 तक के दरमियान हमने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो के इवन नंबर्स होंगे, जो के जुफ्त नंबर्स होंगे। N1 से लेके N2 तक जितने भी जुफ्त आदाद होंगे उनको हमने आउटपुट कराना है। सबसे पहले हम एल्गोरिदम 1 को चेक कर लेते हैं, जो कि एक्टिविटी 1.9 के अंदर है। एल्गोरिदम 1 के अंदर हम देख लेते हैं, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम एन नंबर 1 और नंबर 2, फ़र्ज़ कर लें कि N1 हम देते हैं एक दे दिया और नंबर 2 हम एंटर कर देते हैं 5। नंबर 2 हमने दे दिया 5, नंबर 1 हमने दे दिया 1। अब हमने 1 से लेके 5 के दरमियान जितने भी जुफ्त आदाद आते हैं उनको फाइंड करना है। ओके, अब हमने साथ साथ ये भी कैलकुलेट करना है कि इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। स्टेप्स इन्वॉल्व कौन कौन से हैं? सबसे पहला स्टेप है स्टार्ट किया जाएगा। स्टेप 2, हमने नंबर्स इनपुट करने हैं, 1 कर दिया स्टार्ट, 1 से लेके 5 तक तमाम जुफ्त आदाद हमने शो कराने हैं जितने भी आते हैं। आपको पता है 1 से लेके 5 तक सिर्फ 2 जुफ्त आदाद आते हैं, कौन कौन सा? 1 है 2 और सेकंड है 4। अब देखें स्टेप नंबर 3 के अंदर हम चेक करेंगे इफ़ N1 इज़ ओड। ज़ाहिर है हमने 1 एंटर किया है, स्टार्टिंग नंबर तो 1 है। 1 जो है, अगर वो कहता है कि अगर आपने जो स्टार्टिंग नंबर N1 दिया है वो 1 हो, तो उसके अंदर आपने क्या करना है, 1 का इजाफा कर देना है, N1+1। तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। N के अंदर 1 का इजाफा हुआ तो ये बन जाएगा 2। हम क्या करेंगे, इस 2 को आउटपुट कर देंगे। आउटपुट करने के बाद 2 के अंदर क्या किया जाएगा, N1+2, 2 के अंदर 2 का इजाफा कर दिया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, 4। इफ़ N1<N2, अगर 4 N2 क्या है हमारा, 5, अगर 4 5 से छोटा है देन गो टू स्टेप 4, यहाँ से वापस जाए स्टेप 4 के ऊपर। लेकिन हमने अभी स्टेप्स भी काउंट करने हैं कि यहाँ तक आने के लिए हमें कितने स्टेप्स करना पड़े हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हम जा रहे हैं वापस 4 के ऊपर, हमने यहाँ तक 6 स्टेप किए हैं। स्टेप 4 के ऊपर क्या करेंगे हम, इस 4 को क्या कर रहा है, आउटपुट N1 यहाँ पे क्या हो चुका था, 4 को हम कर देंगे आउटपुट। पहले हमने 2 को आउटपुट किया था, अब हम 4 को आउटपुट कर देंगे। तो हमारे जितने भी 1 से लेके 5 तक जितने भी जुफ्त आदाद थे वो हम आउटपुट कर चुके हैं, आउटपुट हो जाएगा 4। अब क्या किया जाएगा, 4 के अंदर 2 का इजाफा किया जाएगा, N1+2 फिर से होगा। N के अंदर 4 के अंदर 2 का इजाफा हो जाएगा, 4 अब बन जाएगा, N1 बन जाएगा 6। अब 6 को चेक किया जाएगा कि क्या 6 N2 से छोटा है, अगर N1 N2 से छोटा है देन गो टू स्टेप 5। लेकिन आपको पता है कि 6 5 से छोटा नहीं है तो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। आपको याद होगा कि हमने 4 तक जाने के लिए 6 स्टेप्स किए थे, हमने 4 तक जाने के लिए यहाँ तक हमने स्टेप 6 किए थे, जब वो 4 था तो यहाँ पे हमने उसको शो कराया स्टेप 7 8 9 एंड
10, मतलब 1 से लेके 5 तक तमाम नंबर्स को शो कराने के लिए हमें 10 स्टेप्स करना पड़े हैं। ओके, अब हम देखते हैं एल्गोरिदम 9 की तरफ। एल्गोरिदम 1 ने जो है वो टोटल 10 स्टेप्स लिए हैं, 10 स्टेप्स में इसने आपको आउटपुट दी है। अब हम चेक करते हैं एल्गोरिदम 9 को। एल्गोरिदम 9 आप सेक्शन 1.3.4 में जाके फाइंड कर सकते हैं अपनी बुक के अंदर। इसके अंदर हम करेंगे स्टार्ट, इनपुट नंबर कर देंगे 1 एंड 2, वही इसके अंदर 1 दे देंगे एंड 2 के अंदर 5 दे देंगे। अब चेक करेंगे कि क्या 1 5 से छोटा है, छोटा है, बराबर है। अगर ऐसा हुआ तो क्या किया जाएगा, N1 यानी 1 को डिवाइड किया जाएगा 2 के ऊपर और चेक किया जाएगा कि उसका जो रिमाइंडर हो वो 0 हो। अगर तो उसका रिमाइंडर बचे 0 तो आप उसको आउटपुट कर दोगे, नहीं तो नीचे आ जाएंगे। क्या होगा, N1 के अंदर 1 का इजाफा कर दिया जाएगा, N1 के अंदर 1 का इजाफा कर दिया जाएगा। 1 के अंदर 1 जब ऐड किया जाएगा तो वो बन जाएगा 2 और फिर स्टेप 3 पे जाएंगे। अब याद रहे कि यहाँ तक आने के लिए हमने कितने स्टेप फॉलो किए हैं, 1 से लेकर 6 तक टोटल 6 स्टेप्स ये हमने फॉलो किए हैं 1 के लिए। ओके, अब स्टेप 3 पे वापस जाएंगे। स्टेप 3 से वापस जाएंगे, इफ़ n1 लेस देन 2। अब हम 2 को चेक करेंगे कि क्या 2 जो है वो 5 से छोटा है या बराबर है। ठीक है, अब 2 जो है 2 को डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर, अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो 2 को आउटपुट कर दिया जाएगा। फिर 2 के अंदर 1 का इजाफा कर दिया जाएगा, 2 बन जाएगा 3। फिर स्टेप 3 पे आएंगे, फिर 3 को चेक किया जाएगा, 3 5 से छोटा है, बराबर है। फिर 3 को डिवाइड किया जाएगा 2 के ऊपर, अगर रिमाइंडर आ गया 0 तो वो आउटपुट हो जाएगा और उसके अंदर 1 का इजाफा कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा 4। और फिर इसी तरह से ये 5 एंड 5 के ऊपर ये सारे स्टेप्स परफॉर्म किए जाएंगे। अब आप ये जहन में रखें कि हर एक डिजिट के लिए आपको 4 स्टेप करना पड़ते हैं लाजमी, वो स्टेप्स ये वाले हैं 3 4 5 6, ये 4 हैं 1 से लेके 5 तक। तो 5 ज़रब 4, ये 4 स्टेप्स ये हो गए 20 स्टेप्स, 20 21 22 और 23। ओके, तो हमने एल्गोरिदम 9 के अंदर कैलकुलेट किया कि एल्गोरिदम 9 जो है वो टोटल आपके 23 स्टेप्स लेगा। एंड एक और स्टेप आएगा, वो आएगा डिजिट 6 के लिए, क्योंकि जब स्टेप 5 के ऊपर 5 के अंदर 1 का इजाफा करके स्टेप 3 के ऊपर उसको भेजा जाएगा तो वहाँ पे चेक होगा कि क्या 6 5 से छोटा है या बराबर है। तो 6 ना तो 5 से छोटा है और ना वो 5 के बराबर है, तो एक स्टेप ये भी ऐड हो जाएगा। तो कुल मिला के इसके अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे एल्गोरिदम 9 के अंदर वो होंगे 24, जबकि एल्गोरिदम 1 जो है वो आपके टोटल 10 स्टेप्स लेगा। तो यहाँ से साबित होता है कि एल्गोरिदम 1 ज़्यादा एफिशिएंट है एल्गोरिदम 9 की निस्बत, क्योंकि एल्गोरिदम 1 10 स्टेप्स लेता है और एल्गोरिदम नंबर 9 24 स्टेप्स लेता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और इसी तरह से जाहिर है कि एल्गोरिदम 1 कंप्यूटर मेमोरी के अंदर लेस स्पेस भी लेगा। नेक्स्ट चलते हैं एक्टिविटी 1.10 के अंदर, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल फर्ज कर लें कि आपके स्कूल के अंदर आपकी पिक्चर्स जो हैं कंप्यूटर के अंदर सेव कर दी जाती है। आप जैसे ही स्कूल के अंदर एंटर होते हैं तो आप अपनी अटेंडेंस मार्क करते हैं। जैसे ही आप अटेंडेंस मार्क करने के लिए आगे जाते हैं तो कैमरा आपकी इमेज खींचता है और आपकी वो जो पिक्चर है वो अपनी डेटाबेस के अंदर कंप्यूटर से पड़ी हुई पहले से महफूज की हुई पिक्चर के साथ मैच करता है। अगर तो आपकी पिक्चर उससे मैच हो जाती है तो आपकी वो अटेंडेंस मार्क कर देता है, अगर वो नहीं होती तो वो कहेगा कि यू आर नॉट प्रेजेंट, एब्सेंट मार्क करेगा। तो अब कहा यह जाता है यू आर आस्क्ड टू प्रोवाइड टेस्ट डेटा फॉर द सिस्टम, आपने इसके लिए टेस्ट डेटा प्रोवाइड करना है ताकि हम इस सिस्टम को मज़ीद बेहतर कैसे बना सकें। आपने मुख्तलिफ ऑप्शंस प्रोवाइड करने हैं, जैसे डिफरेंट ड्रेसेस इन डिफरेंट वेदर, कोई ट्विंस भी हो सकते हैं, हेयर कट्स डिफरेंट हो जाएं। तो इस तरह से किस तरह से आप उसको इम्प्रूव कैसे करोगे अपने उस सिस्टम को, ताकि कोई भी 2 नंबर ही उसके साथ ना कर सके।
तो इसके लिए सबसे पहली सजेशन तो ये है कि स्टूडेंट जो है वो मुख्तलिफ सीज़न के अंदर मुख्तलिफ ड्रेस वेयर करते हैं। जैसे विंटर होता है तो आप ऊपर से जर्सी, जैकेट या स्वेटर वगैरह का यूज़ करते हैं, जबकि गर्मियों में आप जस्ट शर्ट पहनते हैं। सेकेंड, अगर किसी के फेस के ऊपर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क आ गया, कोई ऐसा कोई चोट लगी, कोई इंजरी आ गई, कोई ज़ख्म आ गया फेस के ऊपर, तो क्या सिस्टम आपकी अटेंडेंस को मार्क करेगा? अगर कोई बंदा, कोई स्टूडेंट्स ये करता है कि आपकी ही पिक्चर लेके जाता है और आपकी पिक्चर कैमरे के आगे कर देता है, तो क्या तब भी सिस्टम आपकी अटेंडेंस मार्क कर देगा? तो ये सारे जो थे वो टेस्ट डेटा था जिसके ज़रिए आप अपने सिस्टम को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ये सारी सजेशंस हैं। एक्टिविटी 1.10 बेसिकली स्टूडेंट्स आपके लिए ही एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि आपने प्रीवियस अब तक जितने भी एल्गोरिदम्स पढ़ लिए हैं उन सब को रिकॉल करें और उनके ऊपर मुख्तलिफ इनवैलिड इनपुट डाटा करें, उनके ऊपर इनवैलिड इनपुट्स करें और फिर आपने उनके अगेंस्ट जो है अप्रोप्रिएट मैसेज जो है वो डिस्प्ले कराना है। कि जैसे हमने चेक किया था नंबर 1 to 7, 1 से लेकर 7 तक नंबर एंटर करें, 1 के अगेंस्ट आपको मंडे दिखाए, नंबर 2 के अगेंस्ट आपको ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे दिखाए। हमने भी उसकी वो सॉल्व किया था कि अगर कोई बच्चा 0 एंटर कर देता है या 8 एंटर कर देता है तो आपका सिस्टम क्या मैसेज रिप्लाई करेगा। तो इसी तरह से आपने भी, हमने जितने एल्गोरिदम्स डिस्कस कर लिए हैं उनको रीड आउट करना है और उनके अंदर इनवैलिड इनपुट दे के आपने एक स्पेसिफिक मैसेज है वो डिस्प्ले कराना है। इसके लिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, आप अपने क्लास फेलोज़ के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। मोर ओवर, आप इसको डिस्कस करने के बाद इनवैलिड डाटा इनपुट करके अप्रोप्रिएट मैसेज को शो करा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप आज की एक्टिविटीज़ जो हैं वो समझ आई होंगी। इसी तरह के मज़ीद इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए आप पंजाब एजुकेटर्स के साथ जुड़ जाइए। उम्मीद करता हूँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट अमेजिंग लेक्चर्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।